रिया नाम की लड़की एक गांव में रहती थी। वो बाहर खेल रही थी और अपने चाचा का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसके चाचा शहर को गए हुए थे मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए। थोड़ी देर के बाद ही उसके चाचा घर पे आए। जैसे ही चाचा घर पे आए, रिया उनके चाचा के पास चली गई और उनसे पूछने लगी कि चाचा आप कहाँ गए थे। उसके चाचा बोलते हैं, हेलो रिया, मैं शहर गया था खेत के लिए कुछ सामान लाने के लिए। तो रिया कहती है कि कौन से शहर, कैसा शहर। चाचा बोले कि बहुत अलग होता है शहर अपने गांव के मुकाबले में, तो बहुत ही अलग। वहाँ पे खुले मैदान की जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कार्स ये सब होती है। रिया बोलती है, अरे वाह, और अपने मन में इमेजिन करने लगी और कहने लगी कि वहाँ पे बच्चे कहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे बता रहे हो वहाँ पे कोई खुली जगह नहीं है। चाचा की ये सब बातें सुनकर रिया अपने ही मन में सारी चीज़ें इमेजिन करने लगी। कुछ ही देर में सब लोग खाने के लिए बैठने लगे, तो रिया अपने अम्मी की मदद करने के लिए गई। फिर उसके चाचा कहते हैं कि तुझे पता है रिया, वहाँ पे पार्क रहते हैं, प्लेग्राउंड्स रहते हैं, लेकिन हमारे जैसी इतनी खुली जगह नहीं होती है। उसके बाद चाचा बोलने लगे कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुझे एक दिन ज़रूर शहर लेके जाऊंगा। इतने में ही चाचा बोलते हैं, चलो अभी खाना खाते हैं, बहुत ही भूख लगी है। रिया की मम्मी उसे कहती है, चल चल रिया अभी खाना खाते हैं। ऐसे बोलते ही रिया उठी और सब लोग खाने के लिए बैठ गए। रिया अपने चाचा के पास बैठी और उसके चाचा उसको आहिस्ते आहिस्ते खाना खिलाने लगे। ऐसा करते करते तीनों ने खाना खा लिया। फिर उसके बाद रिया की जो अम्मी है वो काम करने लगी। फिर उनके पास रिया आई और बोलने लगी, क्या बना रहे हो। उसकी अम्मी बोलती है कि मैं लड्डू बना रही हो। तेरे चाचा ने ये जो दही है वो खेत में से लेके आए थे और कुछ चीज़ें भी लेके आए थे, तो मैं उसका भी ये लड्डू बना रही। तो ये सुन के ही रिया बहुत खुश हो जाती है और बाहर खेलने के लिए आती है। बाहर जैसे वो देखती है कि सब जगह हरियाली है, बड़े बड़े झाड़ है, खुले मैदान है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहने लगी, मन में ही कहती है कि अरे वाह, हम लोग कितनी अच्छी जगह पे रहते हैं। भले से मुझे शहर जाने का मन है, लेकिन अपन कभी ना कभी जाएंगे एक दिन के लिए, लेकिन अपना गांव ही अच्छा है।